दोस्तों नमस्कार, डॉक्टर विजय वैद हमारे चैनल में आपका स्वागत है, स्नेक कैचर इंडिया। दोस्तों आज एक आयुर्वेदिक में एक ऐसी दवाई बनाने की विधि बताएंगे जो जल जाते हैं, कहीं भी जल जाते हैं, पटाखे से जल जाते हैं, दूध से जल जाते हैं, गर्म पानी से जल जाते हैं, भाप से जल जाते हैं। ऐसी रामबाण दवाई बताएंगे जो कि आप बड़ी आसानी से घर पे बैठ के इलाज कर सकते हैं। और शायद इस दवाई के बारे में आपने नहीं सुना होगा। और जल जाने पर क्या करते हैं हमारे भाई बंधु, माताएं बहनें क्या करती हैं, जल जाते हैं तो तरह तरह की दवाई लगाते हैं, जैसे कपूर लगा लिया, नारियल का तेल लगा लिया, या आलू पीस के लगा लिया, या गाय का गोबर लगा लिया, और भी जड़ी बूटियाँ और तेल लगाते हैं। तो उसको चलो लगा लो, उससे क्या है जल्दी जल्दी छाले नहीं पड़ेंगे। कोई बर्फ़ का पानी लगाता है तो उससे छाले नहीं पड़ेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको दवाई बताते हैं, विधि बताते हैं कैसे बनती है। थोड़ा इधर नज़दीक दिखाओ, थोड़ा नज़दीक ले आओ कैमरा, नज़दीक ले आओ, इधर ले आओ ना, इधर दिखा दो। देखो ये राल है, और राल, ये राल बोलते हैं इसको, ये पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाती है ये। और ये कपूर है, टिक्की वाला कपूर है, एक पूजा वाला कपूर आता है, पूजा में ये भी काम आता है वैसे, ये कपूर लेना है। और ये फिटकरी, और ये सुंदरप है, सुंदरप पंसारी की दुकान पे मिलता है, महंगा बहुत होता है। और ये सुंदरप जो किसी को चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, उसमें भी काम आता है। तो इसको क्या करना है, आपने 20 ग्राम राल लेनी है, राल 10 ग्राम आपने कपूर रखना है, और 10 ग्राम फिटकरी रखनी है, और आप कोई 5 ग्राम मान लीजिए चने के दाने के बराबर, चने के दाने से वैसे कम हो जाए तो ये सुंदरप डालना है। इन चारों चीज़ों को पीसना है, पीस के हमने कपड़चन करना है, कपड़े में छानना है। छानने के बाद में ये ऐसा तैयार हो जाएगा, ये हमने बना के रखा है। उसके बाद में क्या करना है आपने दोस्तों, ये इतनी बढ़िया दवाई है आपको कहीं नहीं मिलेगी, अगर में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, हजारों रुपए आप बचा सकते हैं। फिर इसमें क्या करना है आपने, ऐसे पानी डालना है, वीडियो थोड़ा बड़ा है देखते रहिए, ऐसे पानी डालना है, इसको ऐसे घिसना है, ये आपको विधि बता रहे हैं, थोड़ा नज़दीक ले आओ कैमरा को, ऐसे पानी डालना है, पहले पानी डालना है आपको, हाथों को आप अच्छी तरह से अपने साफ कर लें, गंदे नहीं होने चाहिए, साबुन से धो लें अच्छी तरह से। ये हमने पानी डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, इससे दोस्तों जो निशान पड़ जाते हैं जलने के बाद वो भी नहीं रहते। उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखो मिक्स हो गई दवाई। इसके बाद क्या करना है आपने, ये प्योर सरसों का तेल डालना है, इसमें प्योर सरसों का तेल डालना है, अपनी घर की घानी का तेल होना चाहिए, बाजारू तेल नहीं होना चाहिए, जो कोल्लू के नीचे से निकलता है वही तेल होना चाहिए, क्योंकि बाजारू तेल जो आते हैं उनमें रिफाइंड आता है, रिफाइंड अगर लगाएंगे जल्दी उर पर नुकसान करेगा। तो चाहे कहीं बाजार से लाएं या कहीं से भी लाएं, ये प्योर घानी का तेल होना चाहिए, आपके घर का तेल होना चाहिए। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालना है सरसों का तेल, कड़वा तेल, इसको इसमें मिक्स करना है दोस्तों ऐसे। इस तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा और डालेंगे, दोस्तों इसको थाली में थोड़ी देर मलना पड़ेगा। हम ज़्यादा देर ये इसको क्यों नहीं मल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ये इसको थोड़ी देर 10 मिनट ऐसे करना है आपने, ऐसे करते ही रहना है 10 मिनट।
तेल थोड़ा और डालेंगे। आधा पौना चम्मच तेल डाल सकते हैं इतनी दवाई में जो हमने इसका बताया है। तो दोस्तों ये दवाई ये अभी तैयार नहीं हुई है, इसको जितनी मलेंगे उतनी तैयार होगी। तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसको मलते रहना है। अगर 10-15 मिनट हम मलते हैं इसको तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप दोस्तों ये तैयार हो गई, जहाँ भी आपका जला हुआ है आपने कुछ नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ जल जाता है पटाखे से, दूर से, या पानी से, या कोई भाप से, तो आपने दोस्तों ये इसको ऐसे लेप करना है जैसे हम मेहंदी का लेप करते हैं, ऐसे लगाना है, इस तरह से लगाना है और छोड़ देना है। तो दोस्तों जितना वैंकर से वैंकर कोई भी जल जाता है तो ये बाहर की दवाई से आप 1 महीने में ठीक होंगे या 15 दिन में होंगे, तो इसे आप 5 दिन में ठीक होंगे। इतनी अच्छी दवाई है। तो दोस्तों घर पे बना सकते हैं। उसके बाद में अगर दर्द वगैरह होती है, आपको जलन होती है, तो किसी भी डॉक्टर साहब से दवाई ले सकते हैं, एंटीबायोटिक दवाई ले सकते हैं, जख्म सुखाने की दवाई ले सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी आप लगवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर साहब से। उसके बाद में जब इससे आपकी जो पापड़ी जम जाएगी, उसके बाद में ये न्यूस्पोरिन ट्यूब आता है मेडिकल से, न्यूस्पोरिन दो आते हैं, एक चमड़ी वाला आता है, एक ही आँख में लगाने वाला, इसी को ले लें और इसको बाद में लगाएं। 10-15 दिन के बाद इसको यूज करें तो जो निशान पड़ जाते हैं वो भी आपके निशान नहीं रहेंगे। तो दोस्तों कोई प्याज लगाने की ज़रूरत नहीं है, गाय का गोबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नारियल का तेल कपूर मिक्स करके लगाते हैं, कोलगेट लगाते हैं, आलू लगाते हैं, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लगाने हैं तो तुरंत जल जाते हैं, उसी टाइम प्रयोग करें। आलू का चटनी बनाएं और उसको पीस लें अच्छी तरह से, उसी समय प्रयोग करते हैं तो जो फल के बनते हैं वो नहीं बनेंगे, जलन भी आपको कम होगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।